हाय माँ। अरे रुक तो सही। माँ कितनी दफा बोला है मुझे पीछे से आवाज ना लगाया कर। अरे मेरी जान के टोटे, मैं बस ये कह रही थी कि जो मैंने तुझे समझाया है ना, वो समझ गई है ना? याद है तुझे? तुझे पता है ना मैं ऐसी बातें नहीं भूलती, सो डोंट वरी, फिक्र ना कर। दानी कैसी लग रही हूँ मैं? तुम कभी बुरी लग सकती हो। थैंक यू। वैसे आपको पता है मैं कभी कभी बहुत हैरान होती हूँ कि आप इतने वेल ऑफ, वेल सेटल्ड, इतने हैंडसम होने के बावजूद सिंगल कैसे थे? आई मीन आपकी लाइफ में कभी तो कोई लड़की आई होगी ना जो आपको पसंद करती हो या आप उसको पसंद करते हो? नॉट रियली। एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज में पापा का बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में इतना बिजी रहा हूँ, कभी सेटल डाउन होने के बारे में सोचा ही नहीं मैंने। आपको पता है मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा पे बहुत जुल्म किया है। मेरी अम्मा ने हमेशा उनसे मार खाई है। फिर अचानक एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया और फिर मुझे और मेरी अम्मा को सुकून मिला। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो औरत की इज्जत करना जानता हो, उस पर कभी हाथ ना उठाए। आपको पता है मुझे जहर लगते हैं ऐसे मर्द। लाना तो ऐसे मर्दों पर जो औरतों पर हाथ उठाते हैं उनको मारते हैं। मेरा तो पैसा लेना तो मैं सीधा आग लगा दूं ऐसे मर्दों। इसे आपकी ना ये गाड़ी बहुत प्यारी है। प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दानिश से इश्क हो गया। ये शुरू शुरू में तो शादी के बाद एक दो दफा हुई लड़ाइयाँ, उसके बाद तो हमने इश्की मुश्की की वो कहानियाँ देखी, वो दास्तानें देखी जो इससे पहले ना कभी सुनी थी ना देखी थी। लो भाई हसरत पूरी हो गई। सच कहते हैं बड़े, बड़ी ताकत है इस निकाह में, बड़ी। तेरी चौंकी भी आवाज आई, लेकिन तेरी माँ के मुंह पर ना समझी उधर। मरंदर चौंकी भी आवाज आ निकल समझी। Thank you.
अम्मा मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, तुम्हें भी क्या जरूरत थी इतना बोलने की? कोई खुदा का खौफ करता है इंसान, बोलने से पहले एक बार सोच लेता है। लेकिन नहीं, तुम तो ना बोलने से पहले सोचती हो और ना ही खाने से पहले सोचती हो। हे सना बात सुन, हमजा को कॉल कर, समगुन तो ले। अरे नहीं भाई, अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई है, बार बार फोन नहीं करूंगी। अच्छा नॉर्मल था? नहीं कहा तो उसने कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है, शादी की प्लानिंग हो रही है हमारे। बस कुछ नहीं सुना फिर, मैं ये कहा जल्दी। उफ़ अल्लाह। दरवाजा खोलो, मुझे किसी जरूरी काम जाना है। दरवाजा तो नहीं खुलेगा। और अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारी बकवास का? अपने ही घर में मैं कैदी की तरह रहूंगी? कैदी तो तुम हो और तुम्हें क्या आज पता चला है? बकवास बंद करो और दरवाजा खोल कर दो, वरना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं इतना शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। डर गई मैं। सना, सरा जा तो छुटकी को तो अच्छी तरह से देख ले। दरवाजा तो नहीं खुलेगा। और जहां तक बात रही इस बात की कि तुम चीख चीख के लोगों को इकट्ठा कर लोगी, तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्ला, तेरा पागलपन। और हम सबको बता देंगे कि रानिया बाप के सदमे से पागल हो गई। तुझे पता है सबसे पहले सारी बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी प्यारी सी शहजादी ताया, ताई, जिन्हें तुम चीख चीख के आवाजें दे रही थी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस चीखने चिल्लाने पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, वरना हम जैसी प्यार करने वाली ससुराल जिसने इस दागी लड़की को अपनी सर आंखों पे बिठाया है, हम जैसे लोग कहां किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहुंचा ही नहीं सकते। और जहां तुमने की थोड़ी सी भी गड़बड़ तो तुम्हारी माँ को हम डाल देंगे। हैं? अरे रुक तो जाओ, अरे छोड़ दो मचा।